हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अपनी स्किन के लिए, ग्लोइंग के लिए, लाइटनिंग के लिए हमें महंगे महंगे फेशियल्स कराने चाहिए। मैं भी यही सोचती थी हमेशा कि शायद लोग हर महीने फेशियल लेते हैं इसलिए वो इतना ज़्यादा ग्लो करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा वो ग्लो करते हैं उससे कई ज़्यादा उनकी स्किन डैमेज होने लगती है। जब हम टीनेज होते हैं, जब हमारी टीनेज की एक उम्र होती है, तो वहाँ पर हम लोगों के एक्ने, पिम्पल्स, ब्लैकिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ से जो हम केमिकल चीज़ें लेना शुरू करते हैं जब तक हमारी 20 की एज आती है, वो सब हमारी स्किन को पूरा डैमेज कर चुके होते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता। तो आज की ये जो मैजिकल रेमेडी है, ये आपका स्किन केयर रूटीन है जो आपको फॉलो करना है, स्पेशली टीनेज, या ये आपकी कोई भी उम्र हो, टीनेज हो आप, 18 प्लस हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कोई भी हो, बूढ़े बूढ़े, जवान बच्चे, कोई भी हो, ये सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये स्किन केयर रूटीन है। साथ में मिलके देखते हैं और मज़े लेते हैं वीडियो के, और आपको वीडियो ठीक से देखना है, ठीक से वॉच करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए और फिर आप भी इस रेमेडी को अच्छे से फॉलो करो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सुकून से होंगे और खुश होंगे। और अगर कोई सुकून से नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कमाल का स्किन केयर रूटीन, जिसको करने के बाद आप बोलोगे वाओ शमरिन यू आर ग्रेट। वो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू कैन सी माई चिक्स, ओ माई गॉड। मैं, ये कोई मेरा मेकअप नहीं है, मैंने वैसे भी मास्क लगाया हुआ है, तो मैं मेकअप करके क्यों आऊंगी। आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेरी स्किन ग्लो कर रही है, बहुत मजा आया इसको करने के बाद। मैंने और अम्मी ने साथ में मिलकर करा था और बहुत ज्यादा हमें मजा आया। ओके, तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, और ये आपका स्किन केयर है तो आपको ये वीक में सिर्फ एक ही बार करना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छा देने के साथ साथ उसको बुरा भी करके जाती हैं। अगर आप उसको जल्दी जल्दी से किसी चीज को, ये कोई सेंस नहीं होता है कि अगर किसी चीज में दो चीजों के अलावा आप चौथी या पांचवी चीज भी ऐड कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, इस गलतफहमी को अपने दिमाग में से निकालो। जितना सिर्फ बताया जाता है आपको उतना ही करना होता है, उसके अलावा आप उसमें कुछ भी ऐड ना किया करें, और उस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग के दो दिन बाद, तीन दिन बाद आप उसको ना किया करें, जैसे बताया जाता है आप उसको वैसे ही किया करें। ओके, तो ये जो आप बाहर के फेशियल्स लेते हो हर महीने, उससे अच्छा है कि आप घर में एक फेशियल, कितना ज्यादा महंगा आता है, कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, और डिपेंड करते हैं उसके ब्रांड्स के ऊपर कि जितना ऊंचा ब्रांड जाएगा उतना ही उसमें उतना ही खर्चा होगा। तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज आप अपना पैसा बचाएं, पैसे को वेस्ट ना करें, अपने पैसे को सेव करके रखिए, और ये जो रेमेडी है आप इसको 1 वीक में एक बार फॉलो करेंगे, एंड देन यू कैन सी योर फेस, योर स्किन इट्स वेरी ग्लोइंग। बहुत ही ज्यादा ये कमाल की रेमेडी है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग। एंड मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे जैसा आपको दिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं करना है। सबसे पहले लेनी है आपको 1 चम्मच बेसन। बेसन आप बाहर का भी ले सकते हो पैकेट वाला, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप चने की दाल को पीस के रख लें, वो आपका घर का बेसन है एकदम नेचुरल। तो 1 चम्मच आपको लेना है बेसन, और उसमें डालना है आपको 1 चम्मच टमाटर का जूस। आप 1 टमाटर को उसको ग्राइंड करके रख लेना, वो हमारा लास्ट में भी काम आएगा और अभी भी काम आ रहा है। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको वो डालना, और ये आपका डीप क्लेंजिंग का काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है और मसाज करके अपना फेस वॉश कर लेना है। ओके, तो सेकेंड हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी। कॉफी आप कोई भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, वो कॉफी होनी चाहिए बस। और 1 से 1.5 चम्मच आपको कॉफी लेनी है, और उसमें डालना है 1 चम्मच शहद और 2-3 कतरे नींबू के डालें, 2 से 3 ड्रॉप आप उसके डाल सकते हो, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और फिर अब उससे अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और ये आपको बहुत अच्छे से आपका फेस स्क्रब करेगा। लेकिन बहुत जोर से नहीं करना है, क्योंकि कॉफी में थोड़े से बड़े बड़े होते हैं उसके, तो उससे नहीं आपकी स्किन को इरिटेट हो सकती है आपकी स्किन, तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत आराम आराम से अपने हाथों को चलाना है। और थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है
बॉइल वाटर, आपको स्टीम लेनी है, भपारे लेने हैं, 5 से 10 मिनट तक आपको स्टीम लेनी है। आप उसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम के पत्ते डाल सकते हो, दोनों सेम ही वर्क करेंगे। आपके एक्ने पिंपल्स से बहुत हद तक वो आपको मदद देंगे। जी हाँ, अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप एक चीज कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो फोर्थ जो हमारा फेस पैक है वो कमाल का फेस पैक है, ये समझ लो कि सोने पे सुहागा। जी हाँ, आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के तो आपके फायदे पता ही है, पहले के लोग कितना ज्यादा मुल्तानी मिट्टी को यूज किया करते थे, अपने बाल धोने में, अपने फेस धोने में, अपने नहाने में, हर चीज में वो मुल्तानी मिट्टी को लिया करते थे। तो यहाँ पे हमें 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और उसके अंदर हमें डालनी है 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप अपने किचन में से भी जो आपकी नॉर्मल हल्दी है आप उसको ले सकते हो, बट आपको बहुत कम लेनी है, एकदम चुटकी भर लेनी है, क्योंकि उसका जो कलर है वो आपकी स्किन पे आ सकता है, फिर आप बोलोगे कि हमारे फेस पे कलर आ गया, तो इसलिए वो बहुत कम लेनी है आपको। और इसके बाद हमें इसमें मिलाना है जो हमने टमाटर पहले से पीस के रखा था, उसका जूस डालना है 1 से 1.5 चम्मच आपको वो डालना है इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, और अपने फेस पे थोड़ा सा 2-3 कोड बहुत बहुत मतलब पतली लेयर नहीं लगानी है आपको, अच्छे से फेस पैक की तरह आपको इसको 20 मिनट्स के लिए रखना है। और ये जो फेस मास्क है ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, सीरियसली बहुत ही कमाल का है ये। तो ये आपको 20 मिनट रखना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, और ये आपको वीक में सिर्फ 1 टाइम करना है, क्योंकि जो हमारी स्टीम होती है, जो स्क्रब होता है, हम उसे बार बार नहीं कर सकते हैं, उससे स्किन बहुत जल्दी से डैमेज होने का वो रहता है, क्योंकि स्क्रब से भी हमारी स्किन अगर हम बार बार उसको रगड़ेंगे तो हमारी स्किन इरिटेट हो जाएगी, और स्टीम भी हम बार बार नहीं ले सकते हैं, सिर्फ वीक में 1 टाइम ही लेंगे। तो आप कोई भी डे बना लें अपना, संडे, आप जिस भी दिन फ्री हो संडे, या फिर किसी भी दिन जब आप फ्री हो, तो आपको ये पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है वीक में 1 टाइम। और जब आप इसको यूज कर ले तो प्लीज मुझे यहाँ पे आके जरूर बताना कि आपको भी ये स्किन केयर कमाल का लगा या नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि आप आके मुझसे शेयर करें, बताएं मुझे कि कैसा लगा। ओके, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे दुआओं में याद रखना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।